Thank you.
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा,
मैं तपस्वी मूरत आत्मा अपने आप को सभी बातों से समेटकर अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होता हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में चमक रहा हूं। ये भ्रुकुटी मेरा आसन है और मैं यहां विराजमान राज ऋषि हूं।
अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूं। ये मन मेरा मंत्री है, अपने मन को भी ऑर्डर में चलाने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मुझ आत्मा में सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है। मैं आत्मा गुणों का पुंज हूं। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे शरीर के कण कण में फैलती जा रही है। मेरा सारा शरीर एकदम शिथिल हो रहा है। कर्मेंद्रिया एकदम शांत हो रही है। मेरा मन भी शांत है। कुछ क्षण इसी अनुभव में स्थित होते हैं। पवित्रता की किरणों से मेरा सूक्ष्म पवित्रता की लाइट का शरीर तैयार होता जा रहा है। मेरा एक एक अंग एकदम हल्का
महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ ऊपर उड़ता जा रहा हूं। अनुभव करें अपने स्थूल शरीर से मैं फरिश्ता डिटैच हो रहा हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है। सारा वायुमंडल पवित्र बन रहा है। मैं फरिश्ता अपनी प्रकाश की काया के साथ अब चलता हूं सूक्ष्म वतन अपने बाप दादा से मिलने। सूक्ष्म वतन में अनुभव करें अपने आप को। ये पवित्रता की दुनिया है जहां सर्वत्र चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। मैं फरिश्ता अपने आप को इस सफेद लाइट की दुनिया में अनुभव कर रहा हूं।
इस असीम पवित्रता में और शांति की दुनिया में मैं अपने आप को अनुभव करते देखता हूं। अपने सामने अव्यक्त बाप दादा को संपूर्ण पवित्रता के फरिश्ते को आज बाप दादा एक ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं। अपनी रूहानी प्रेम की दृष्टि से अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे इशारे से नजदीक बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता भी बाबा के सम्मुख उस लाइट की पहाड़ी पर पहुंच जाता हूं। बाबा की वो रूहानी दृष्टि को अनुभव कर रहा हूं। बाबा के नैनों से पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। ये किरणें मेरे मन को एकदम हल्का कर रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। आज उस पहाड़ी पर मैं देखता हूं मेरे और बाबा के बीच में एक यज्ञ कुंड है। उस पवित्र यज्ञ कुंड की ज्वाला को देख मैं बाबा से इशारे में पूछता हूं, बाबा
आज ये नजारा क्यों? तो बाबा मुस्कुराते हुए इशारे से कहते हैं, बच्चे 63 जन्मों की कमी कमजोरियों को अपने में धारण कर आप बहुत थक गए हो, तो आज बाबा चाहता है आप अपनी कमी कमजोरियों को इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। मैं फरिश्ता भी संकल्प करता हूं अपनी किसी भी एक कमी कमजोरी को जो मुझे इस यज्ञ में स्वाहा करनी है बाबा की दृष्टि लेते लेते फील करें कि वो जो विशेष कमजोरी है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधा डाल रही है वो मुझसे निकलकर उस ज्वाला में भस्म हो रही है। मैं फरिश्ता एकदम हल्का अनुभव कर रहा हूं। बाबा सामने खड़ा है मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहा है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप का वरदान दे रहा है। अब बाप दादा उसी यज्ञ से एक छोटी सी ज्योति उठाकर मेरे भ्रुकुटी के बीच में तिलक की तरह रख देते हैं।
उस तिलक को पाकर बाबा मुझे अपने सत्य स्वरूप की पहचान दे रहे हैं। मैं पवित्रता का चमकता सितारा हूं। बाबा आत्मस्मृति का तिलक लगाकर अपनी दृष्टि द्वारा मुझ में पवित्रता का बल भर रहे हैं। मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। अब बाबा एक और दृश्य इमर्ज करते हैं। मैं फरिश्ता देखता हूं। बाबा के दिल में एक बहुत सुंदर लाइट का तख्त। बाबा इशारे से मुझे कहते हैं, बच्चे ये बाप का दिल तख्त आपके लिए है। मैं फरिश्ता भी खुशी खुशी बाबा के उस दिल तख्त पर विराजमान होता हूं। ये बाप का दिल तख्त बाप के स्नेह से संपन्न है। ये ऐसा तख्त है जहां मेरी सारी चिंता नष्ट हो जाती है। इस तख्त पर बैठकर मैं बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर रहा हूं।
अब कोई भी चिंता नहीं, एकदम निश्चिंत। बाबा भी इशारे में मुझे कहते हैं, बच्चे इस तख्त पर हमेशा बैठने के लिए आपको बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चा बनना पड़ेगा। मैं फरिश्ता भी अपने को चेक करता हूं, क्या सदा मैं इस तख्त पर विराजमान हो सकता हूं? अपने आप को चेक करें, अब मैं फरिश्ता, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। इस स्मृति से मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिकर बादशाह बन जाता हूं। मैं बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चा हूं। अब बाप दादा दृष्टि देते हुए मुझ फरिश्ते के ऊपर एक बहुत सुंदर लाइट का ताज रखते हैं। अलग अलग रंगों के लाइट से बना हुआ ये ताज कितना सुंदर चमक रहा है। और उस ताज पर लिखा हुआ है विश्व कल्याणकारी। ये विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज बाबा ने मुझ फरिश्ते पर रख दिया है। और इसी विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। Thank you.
विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। बस इसी संकल्प से मुझ फरिश्ते से अब परमात्म पवित्रता की किरणें विश्व के गोले पर पड़ रही है। विश्व में पवित्रता की लहर फैल रही है। सभी आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र बन रहे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं। इस महान कार्य के लिए मैं भगवान का साथी बना हूं। स्वयं भगवान ने मुझे इस महान कार्य के लिए लायक बनाया है। मुझे ताज, तख्त और तिलक देकर मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया है।
इसीलिए इसी स्मृति से अब मैं बाप दादा का दिल से धन्यवाद करते अब साकार वतन में लौट आता हूं। मैं आत्मा बाबा के साथ की स्मृति से अपने सत्य स्वरूप की स्मृति से बेफिक्र स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। मैं स्व कल्याण सो विश्व कल्याण का ताज बाप के दिल तख्त की अनुभूति और अपने आत्मिक स्वरूप के तिलक से संपन्न श्रेष्ठ आत्मा हूं। भगवान हमेशा मेरे साथ है। इसीलिए मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। ताज तख्त तिलकधारी आत्मा हूं। ओम शांति।
जब से बने हैं प्रभु